हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आरपीसी द्वारा आयोजित आज ही के दिन आरएस प्री एग्ज़ाम के पेपर को, और इसमें हम जो 150 क्वेश्चंस है उनके ऑथेंटिक आंसर्स है वो बताएंगे और उनको डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। तो हम शुरू करते हैं, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। इसमें जो आंसर्स है एकदम सटीक और ऑथेंटिक बुक से और ऑथेंटिक वेबसाइट से बताए गए हैं और इनको डिस्कस किया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। पहला सवाल था, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार आप यस में यस कह दीजिए ताकि मुझे पता चले। आपको मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? तो हम शुरू करते हैं। आप वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। पहला सवाल था, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया था? तो जो ग्राम सेवक का नाम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या ग्राम विकास अधिकारी है वो राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 4। अगला सवाल है दूसरा। दूसरे सवाल में पूछा गया था, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो राजस्थान के राज्यपाल करते हैं, ये बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा कथन है, आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा होती है परंतु इनको पद से हटाने की जो कार्रवाई है वो राष्ट्रपति कर सकता है, इसलिए दोनों कथन सही है। तो राइट आंसर हो गया 2। तीसरा है, तहसीलदार की नियुक्ति होती है। तो तहसीलदार की जो नियुक्ति है वो होती है राजस्व मंडल द्वारा। तहसीलदार का जो एग्ज़ाम है वो आरपीएससी करवाता है, जैसे ये आरएस का एग्ज़ाम है। तो आरएस के एग्ज़ाम में आरटीएस सर्विस है वो भी शामिल होती है। तो जो एग्ज़ाम है वो आरपीसी द्वारा होता है परंतु जो उनकी फाइनल नियुक्ति है वो राजस्व मंडल या रेवेन्यू बोर्ड करता है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? तो जो राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाया था, तो उसमें जो पहले जो राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इन सबको मिला के बनाया था। मतलब जो पहले ड्रिंकिंग वाटर की और सप्लाई थी वो इनके द्वारा की जा रही थी, तो इनको मिला के ये बनाया था। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है वो इसका पार्ट नहीं है। अगला सवाल था, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये सवाल काफ़ी बार रिपीट होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो, उसका जो गठन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन किया गया है और जुलाई 1994 में किया गया है, तो यह बिल्कुल सत्य है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधानत्व में यह एक सदस्य आयोग है, यह सिंगल मेंबर कमीशन है,
तो ये भी सही है, तो दोनों सही है। तो राइट आंसर हो गया पहला और दूसरा, दोनों सही है। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर था, उसमें भी पूछा गया था, उसमें जुलाई मंथ है वो चेंज कर दिया था। ये काफ़ी रिपीट होता है। अगला सवाल है छठा, छठा करंट अफेयर से था। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? तो इसकी जो पीठ है वो जोधपुर में स्वीकृत की गई है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है कि कोई भूखा न सोए? तो इंदिरा रसोई योजना से है। इंदिरा रसोई योजना का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई भूखा न सोए पर ही आधारित है। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानानुसार आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं, तो ये गलत है। एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं इस 2006 के संशोधन के अनुसार, तो पहला कथन गलत है। दूसरा है, वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष है, तो ये बिल्कुल सही है। तो केवल सेकंड सही है, तो राइट आंसर हो गया पहला। नवा सवाल है, 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो 2014 में नरपतमल लोढ़ा जो कमेटी बनाई गई थी उसका जो विषय था वो था लोकायुक्त, लोकायुक्त का गठन था। तो राइट आंसर हो गया चार। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु यानी कि पब्लिक गुड नहीं है? तो पब्लिक गुड में नेशनल डिफेंस भी आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा, सरकारी प्रशासन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, और सड़कें भी आता है, ये सारी राष्ट्रीय संपत्ति है। जबकि कारें हैं वो पब्लिक गुड ना होके प्राइवेट गुड है। तो हमारा राइट आंसर हो गया पहला। 11वां सवाल है, वो भी बेसिक इकोनॉमिक्स से आया है। तो फंडामेंटल इकोनॉमिक्स में हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन, कोर मुद्रा स्फीति और हेडलाइन इन्फ्लेशन से आया है। तो पहला कह रहा हेडलाइन मुद्रा स्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करता है, यानी कि सीपीआई में परिवर्तन की दर को संदर्भित करता है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत की माप है। तो यह कथन सत्य है। एक होती है हेडलाइन, एक होती है कोर। हेडलाइन जो इन्फ्लेशन होती है, हेडलाइन मुद्रा स्फीति होती है, वो क्या है कि प्रभावित होती है। जैसे कोई फ्यूल है, फूड है, अचानक कोई भी महंगाई बढ़ जाती है कभी, जैसे टमाटरों के भाव में उछाल आ गया था, तो इस तरह की वस्तुओं में जब उछाल आता है तो हेडलाइन का जो है हेडलाइन जो इन्फ्लेशन है उसके मान में परिवर्तन हो जाता है। पर जो कोर इन्फ्लेशन होती है उसमें फ्यूल और फूड की कीमतें हैं उनको बाहर रखा जाता है। तो यही कथन बी में पूछा गया है कि कोर इन्फ्लेशन है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे कि खाद्य और ईंधन को बाहर कर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल एकदम बेसिक इकोनॉमी से क्वेश्चन आया है। तो इस हिसाब से दोनों कथन सही है। तो हमारा राइट आंसर हो गया, वो हो गया कथन ए और बी दोनों सही है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है, तो पहले ये 100 दिनों के लिए रोजगार देती थी, अब ये 125 दिवसों के लिए रोजगार देती है। तो पहला कथन सही है। आप एक बार कुछ कमेंट कर दीजिए ताकि आप वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं ये मुझे पता चले। दूसरा कथन है, पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये कथन गलत है, 15 दिवसों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है पंजीकरण के बाद में। तो सेकंड कथन गलत है, केवल फर्स्ट सही है। तो राइट आंसर हो गया चार। अगला सवाल था 13वां। 13वें सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? तो सकल राजकोषीय घाटे को आप या तो कुल व्यय में जो राजस्व प्राप्तियां और साथ ही साथ पूंजीगत प्राप्तियां दोनों घटाएं तो सकल राजकोषीय घाटा निकाल सकते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो नहीं लिखी थी, इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया। और पहला कथन सकल राजकोषीय घाटा राजस्व घाटा प्लस पूंजी व्यय, ये बिल्कुल गलत है। तो
इस हिसाब से जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सकल राजकोषीय घोटा, मतलब जितना सारा उधार लिया हुआ है वो शुद्ध घरेलू उधार लिया हुआ है, आरबीआई से उधार लिया हुआ है और विदेशी उधार लिया हुआ है, बाहर से उधार से बाहर लिया हुआ है, तो ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा। इस बार जो इकोनॉमी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे उनसे काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल है चौदवा, चौदवे में पूछा गया है औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उससे सवाल पूछा गया है, तो औषधीय उत्पादों के उत्पादन में मूल्य के हिसाब से भारत दुनिया में चौदवें स्थान पे है, तो अगर मेडिसिन की वैल्यू की बात की जाए तो उस हिसाब से हमारा चौदवा स्थान है, और जबकि अगर मात्रा की बात की जाए, उत्पादन की मात्रा की बात की जाए, तो तीसरे स्थान पे जो कि चौथे कथन में दिया गया है, ये दोनों सही है। दूसरा कथन है भारत वैश्विक स्तर पर जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा प्रदाता है, तो जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चर है वो है भारत। और तीसरा कथन है वो गलत है, क्योंकि इसमें लिखा गया है भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है, जबकि भारत वैक्सीन निर्माण में अच्छी हिस्सेदारी रखता है 60%, 80% नहीं रखता है, 60% रखता है, इसलिए यह कथन गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो गया तीसरा। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया का क्या है, तो ये सीधा सीधा जो सिलेबस में दिया हुआ था उसकी रैंकिंग पूछ ली है, तो भारत 136 देशों में 126वें स्थान पे है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया पहला 126। अगला सवाल है ऑटोमोबाइल सेक्टर से आया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वर्ष 2021 में भारत यात्री कारों का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्माता था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है यह क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 7.1% योगदान देता है, तो जीडीपी में 7.1% योगदान है, ये भी सही है। 2021 के अंत में इस क्षेत्र ने 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सर्जन किया है, तो यह गलत है। 2021 के अंत में यह लगभग 1.5 करोड़ के आसपास इसका रोजगार था, और 5 करोड़ का हमने टारगेट रखा है 2030 तक, तो यह कथन गलत है। वर्ष 2021 में भारत दुपहिया और तिपहिया वाहनों का दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता था, तो 2021 में भारत दुपहिया और तिपहिया वाहनों का दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता था, तो हमारा राइट आंसर हो गया वो हो गया तीसरा, क्योंकि इतना रोजगार है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर नहीं देता है। अगला सवाल है सत्रवां, तो सत्रवें सवाल में पूछा गया है निम्नांकित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो राजकोषीय उपकरण की बात करें तो दो तरह के जो उपकरण होते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव होते हैं और एक क्वालिटेटिव होते हैं। तो क्वांटिटेटिव जो भी हम टूल्स लगाते हैं वो पूरी इकोनॉमी पे एक साथ प्रभाव डालते हैं, जबकि क्वालिटेटिव जो टूल्स होते हैं वो एक सेलेक्टिव पोर्शन पे प्रभाव डालते हैं। तो जो डेफिसिट फाइनेंसिंग हुआ, पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ, और साथ ही साथ टैक्सेशन हुआ, ये सारे के सारे क्या है, ये फिस्कल पॉलिसी है, मैंने मौद्रिक नीति के बारे में कहने लग गया। तो जो सत्रहवां सवाल है राजकोषीय नीति के बारे में, तो राजकोषीय नीति के बारे में हीनाथ वर्पन, सार्वजनिक व्यय और करारोपण है, ब्याज दर है वो मौद्रिक नीति का उपकरण है। मौद्रिक नीति का जो अगला सवाल, ये जो 18वां सवाल है वो मौद्रिक नीति से पूछा गया है, तो 17वें का राइट आंसर हो गया ब्याज दर, वो की मौद्रिक नीति का है। तो मौद्रिक नीति में हमारे पास दो उपकरण होते हैं, एक तो होता है मात्रात्मक और एक होता है मात्रात्मक और क्वालिटेटिव दूसरा होता है। तो जो क्वालिटेटिव होता है वो सेलेक्टिव को कंट्रोल करता है, तो जिसमें सेलेक्टिव को कंट्रोल करने वाला कौन सा नहीं है, तो साख की राशनिंग है ये करने वाला है, मार्जिन की जो लैंडिंग मार्जिन है, आप लोन लेने जाते हो तो अलग अलग मार्जिन रखा जाता है तो वो भी हो सकता है, या नैतिक दबाव बनाया जाए भाई इस सेक्टर को नहीं दिया जाना चाहिए पैसा, तो ये सारे के सारे चयनात्मक साख के, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना ये चयनात्मक साख का नियंत्रण का उपकरण नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो गया वो हो गया दूसरा। अगला सवाल है राजस्थान में अटल भूजल योजना से संबंध में, तो अटल भूजल योजना है, एक सेकंड में जो ये लिंक है वो शेयर कर देता हूं।
एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ी सी लिंक शेयर कर देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए। तो अगला सवाल है, राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो जो ये योजना है वो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसमें जो राजस्थान सरकार नहीं चला रहा है, ये भारत सरकार की केंद्रीय सरकार की योजना है, दूसरे राज्यों में भी चलाई जा रही है। हाँ, वित्तीय सहायता दोनों का हिस्सा जरूर है, तो इस हिसाब से ये पहला कथन गलत है। दूसरा है, इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन से सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है, तो यह बिल्कुल इसका एम है, ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से दूसरा कथन सही है और पहला है वो गलत है, तो राइट आंसर हो गया दूसरा। दूसरा है, राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न ऐसे कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 5 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है 6% ब्याज से, और लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 10 करोड़ तक के ऋणों को 5% का ब्याज दिया जाता है, ये सही है। तीसरा है, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4 तो 15 करोड़ नहीं दिया जाता है, 10% ही दिया जाता है। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋणों पर 8% का ब्याज, तो ये सही है। तीसरा जो कथन है वो गलत है। अगला है 21वां सवाल। 21वें सवाल में पूछा गया है, वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र में जो जीएसवीए का जो सर्वाधिक योगदान, जीएसवीए में सर्वाधिक योगदान किस सेक्टर का रहा था? तो सर्विस सेक्टर में जो व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का रहा था। ये आर्थिक सर्वे से सीधा पूछा गया है। अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक और प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का होने का अनुमान है? तो 2022-23 के अनुमान के अनुसार 5.18% है वो है। अगला सवाल है 23वां। 23वें सवाल में ये भी इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है, और पिछला सवाल भी था वो भी इकोनॉमिक सर्वे से था। तो इकोनॉमिक सर्वे में जो जो परिवहन वाला चैप्टर है उसमें राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकेंड परियोजना है के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई की 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा है। तो इसमें अलग अलग कार्यक्रम, फर्स्ट भी था और सेकंड भी था, अलग अलग थे। तो किसी में एशियन विकास बैंक था, किसी में विश्व बैंक था। तो ये सारे डेटा याद करने, काफी फैक्चुअल डेटा पूछे गए हैं। अगला सवाल है 24वां। तो 24वें सवाल में, राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है? तो कंपोनेंट ए की योजना की जो जिम्मेदारी है वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को दी गई है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड को दी गई है। सारे के सारे जो आंसर है वो एकदम वेरीफाइड किए हुए हैं सारे इकोनॉमिक सर्वे से, वेबसाइट से, बुक से, और कुछ करंट अफेयर्स के जो न्यूज़ वेबसाइट से, उनसे वेरीफाइड किए हुए हैं। तो सारे आंसर एकदम सही है। आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि व्यूअर्स है वो हमारे बढ़ जाएं, काफ़ी व्यूअर्स बढ़ गए हैं, चलो अच्छी बात है। आप कुछ भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लाइव चैट में आप जाके कमेंट भी कर सकते हैं। अगला सवाल है 25वां। 25वें में पूछा गया, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस है वो मनाया जाता है 14 दिसंबर को मनाया जाता है ऊर्जा संरक्षण दिवस का। तो जो डे अवेयरनेस के लिए जो डे होते हैं वो अक्सर लगभग एक न एक पूछा जाता है। फिर है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो जो ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट है वो 2005-06 में ही हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया था, तो इसलिए राइट आंसर हो गया 26वां। लगभग हमने 1 अप्रैल 2005 से ही कर दिया था। 27वां है, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? तो सेवा क्षेत्र का अनुमान, सेवा क्षेत्र है ये, इसका जो इसमें सर्वाधिक वृद्धि होगी, बाकी वाले में थोड़ी कम होगी। तो राइट आंसर हो गया दूसरा। अगला सवाल है,
निम्नांकित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? तो जो भी वेलफेयर स्कीम चलती है, भले महिलाओं की हो, बच्चों की हो, बूढ़ों की हो, सारी वेलफेयर स्कीम पे हमेशा से फोकस रहता है। जैसे रोजगार वाली योजना थी, शहरी रोजगार गारंटी योजना थी, और राजस्थान गवर्नमेंट ने इस बार वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो 28वें सवाल में जो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना है, ये सैनिटरी नैपकिन्स के निःशुल्क वितरण से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो गया दूसरा, मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। अगला सवाल है 29वां, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब साइंस से पूछा गया है। तो साइंस में पिछली बार नॉन नार्कोटिक पूछा था, इस बार नार्कोटिक पूछा है। लगभग लगभग सवाल रिपीट होते हैं, मैंने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दो वीडियो करवाए थे उससे तीन सवाल रिपीट हो गए, तो रिपीट होते हैं इनसे। तो जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है वो होता है मॉर्फिन, मॉर्फिन और कोडीन है, ये जो पाया जाता है अफीम होता है, अफीम के पौधे से निकाला जाता है, तो ये नार्कोटिक में आता है, आपको सबको पता है नार्कोटिक एक्ट लगता है इसमें। तो एस्पिरिन है या फिर पैरासीटामोल है, ये सारे नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक होते हैं। एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक दवा, पीड़ाहारी दवा। तो इसका राइट आंसर हो गया तीसरा। अगला सवाल है निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो ये कॉमन बेसिक एवरीडे साइंस से सवाल आया है, इसमें पूछा गया है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष यानी कि दूर से दिखाई नहीं देता है, तो जैसे मुझे दूर से थोड़ा सा कम दिखाई देता है, तो मैंने जो चश्मे पहने हुए हैं वो अवतल लेंस पहना हुआ है, तो ये दूर से कम दिखाई देने वाला रोग होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष। जबकि दूर दृष्टि दोष है वो होता है नज़दीक से नहीं दिखाई देने वाला, तो उसमें जो लेंस लगाए जाते हैं वो उत्तल लेंस लगाए जाते हैं, जो बीच में से मोटे होते हैं, जो अवतल लेंस होते हैं बीच में से चपटे होते हैं। तो राइट आंसर हो गया पहला। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? तो इसमें महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना है, वो इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों पे फोकस किया गया है। अब रर्बन मिशन है, रूरल और अर्बन दोनों के लिए, आदर्श ग्राम योजना है वो भी किसी पर्टिकुलर ग्राम के लिए, डांग क्षेत्र भी किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो इस हिसाब से जो इसको कॉमन सेंस से भी आप कर सकते थे। अगला सवाल है 32वां, 32वें में निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती या धात्री महिलाओं और उनके नन्हे शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों और देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है? तो ये इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, बहुत ही मतलब सरल पूछा गया है। अगला सवाल है 33वां, अब 33वां सवाल है, ये रिपीट हुआ है जो मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो करवाया था, तो उसमें एक अस्त्र मिसाइल थी, जो उसमें अलग से पिछली बार जो सवाल था वो इस बार ऑप्शन बन गया है। तो LCA जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं यानी कि तेजस से अस्त्र का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो अस्त्र कैसी मिसाइल? तो अस्त्र है बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा वार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया दूसरा। फिर है, मैंने कहा ही था कि भाई सैटेलाइट जितने भी लॉन्च किए गए, मैंने वैसे तो चंद्रयान 3 और जो आदित्य L1 मिशन है उस पर फोकस करने को कहा था, फिर भी जो दूसरे भी जो सैटेलाइट हैं उनको भी, जैसे अप्रैल 2023 में PSLV C-55 द्वारा Telios 2 और Lumite 4 छोड़ा गया था, तो इससे जो स्पेस टेक्नोलॉजी है इससे सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो और जबकि अन्य दो विमाएं वही बनी रहती है तो प्राप्त संरचना कहलाती है। पिछली बार तो जो क्वांटम डॉट के बारे में पूछा गया था, पर इस बार जो सवाल है वो थोड़ा सा दूसरे जो नैनो टेक्नोलॉजी के एलिमेंट है उनसे पूछा गया है। तो जो क्वांटम वेल होता है उसमें तो एक संरचना नैनो स्तर की होती है, बाकी वाली उतनी ही जो मैक्रो स्ट्रक्चर की होती है, तो इसको क्वांटम वेल बोलते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी से ये सवाल आया। अगला सवाल है वो ICT से आया है। तो ICT में जो निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? तो वीडियो फाइल प्रारूप जो इसमें जो मैंने जो ऑप्शन है वो MP4, ये गलती से कर दिया, MP3 है इसका राइट आंसर, ये ध्यान रखना। MP3 होता है वो ऑडियो को होता है, MP4, MOV और AVI ये जो तीनों हैं वो वीडियो के, जबकि MP3 इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल है
उसमें पूछा गया है डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम से व्यवस्थित करें, तो ये भी ICT से आया है। और इसमें जो सबसे छोटी इकाई होगी वो होगी बिट, फिर होगी बाइट, फिर होगी किलोबाइट, फिर होगी मेगाबाइट, फिर होगी गीगाबाइट यानी GB, फिर होगी TB। तो इस हिसाब से हमें क्रम से जमाना था, तो राइट आंसर हो जाता हमारा दूसरा, ये भी साइंस और टेक्नोलॉजी से था। दूसरा है ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति के लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन यानी कि एग्लूटिनोजन क्या होगा, तो एग्लूटिनोजन कहो या एंटीजन कहो, तो एंटीजन है ए में ए होता है, बी में बी होता है, ए बी में दोनों ए बी होते हैं, और एंटीजन ओ में कोई भी नहीं होता है, या एग्लूटिनोजन थोड़ा सा नाम परिवर्तित कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो गया, वो हो गया पहला। फिर है निम्न रोगों में से कौन सा रोग बैक्टीरियल डिजीज नहीं है या फिर जीवाणु द्वारा जो रोग होते हैं वो नहीं है, तो निमोनिया, डिप्थीरिया और प्लेग है, वो तीनों के तीनों जीवाणु द्वारा होते हैं, जबकि डेंगू होता है वो वायरस से होता है, तो हमारा राइट आंसर हो गया डेंगू। ये सवाल है 40वां, ये सवाल भी रिपीट है, मैंने अभी दो वीडियो करवाए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उसी में से पूछे गए, उसमें जो पिछली बार पूछा गया था दुर्दम मलेरिया, अब जो हिंदी है वो मैलिग्नेट की पिछली बार दुर्दम लिखी थी, इस बार घातक लिखी थी, तो जो घातक मलेरिया होता है वो होता है PF मलेरिया होता है, जबकि नॉर्मल वाला मलेरिया होता है वो PV होता है। जनरली हमारे यहाँ पे इंडिया में दो तरह के होते हैं PV और PF, तो PF यानी कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, तो राइट आंसर हो गया फाल्सीपेरम दूसरा। तो काफ़ी सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सवाल रिपीट होते हैं, कई बार लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। अगला सवाल है 41वां है जो वाटर की क्वालिटी से, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है, जनरल एवरीडे साइंस का है। तो वाटर की क्वालिटी हम मापते हैं, उसमें अलग अलग पैरामीटर लेते हैं, तो टर्बिडिटी को मापने की जो यूनिट होती है वो होती है NTU, अम्लता है वो pH से मापते हैं, तापमान को मापने के लिए सेंटीग्रेड, फॉरनाइट, थर्मामीटर से हम मापते हैं, उसमें केल्विन वगैरह होते हैं, दाब है उसका अलग होता है, तो आपको अगर ये नहीं भी आता था तो अम्लता, तापमान और दाब को देख के भी आप आराम से कर सकते थे, तो राइट आंसर हो गया चौथा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है, तो सबसे बढ़िया जो प्रदूषण का कोई इंडिकेटर होता है तो वो होता है लाइकेन। लाइकेन बड़ा सेंसिटिव होता है, हल्का सा प्रदूषण होते ही वो एकदम मतलब मरद से हो जाते हैं, तो लाइकेन अच्छे इंडिकेटर होते हैं। तो एक बार पूछा गया कि इंडिकेटर कौन से होते हैं, तो इंडिकेटर तो लाइकेन ही होते हैं, बायो इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूशन को इंडिकेट करने वाले, तो इस बार लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया है, तो राइट आंसर हो गया लाइकेन। अगला सवाल है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में जो सेंटर है उनसे पूछा गया, राजीव गांधी बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे है, तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, राइट आंसर हो गया तीसरा। अगला सवाल है प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए, तो जो ये संतुलित आहार से आया है, संतुलित आहार में हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, रेशे, जल, इस प्रकार विटामिन होते हैं, तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बना हुआ है, ये सही है, दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन है ये प्रोटीन जंतु और पादप दोनों से मिलते हैं, बिल्कुल कुछ हमें जैसे कि दालें होती है तो वहाँ से मिलता है, कुछ जंतुओं से भी मिलता है, और ये प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं, ये भी सही है, परंतु जो हमारे शरीर का वजन का लगभग 20% प्रोटीन होता है, ना कि 30%, ये कथन है वो गलत है। अगला सवाल है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, ये भी रिपीट सवाल है, पिछली बार भी पूछा गया है, और ये मैंने अभी करवाया था जो जियोग्राफी का वीडियो करवाया था तो उसमें पूछा गया था, तो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में स्थित है। अगला सवाल है इसमें से कौन सा समूह माइलेट्स फसलों का है, तो इस बार माइलेट ईयर भी चल रहा है तो माइलेट पे फोकस रहेगा, ये बात तय थी, तो इस बार दो सवाल माइलेट से पूछे गए हैं। तो माइलेट की बात करें तो माइलेट वैसे तो मोटे अनाज का भाग होता है, किरेल्स का भाग होता है, तो उसमें मक्का आता है, जबकि मक्का होता है वो माइलेट में नहीं आता है, बाजरे को पर्ल माइलेट ही कहते हैं इंग्लिश में। तो जो माइलेट में फसलें आती है वो आता है ज्वार, कोदो, कांगनी और रागी फसलें हैं वो आती है, ज्वार को इंग्लिश में सोरगम कहा जाता है, तो राइट आंसर हो गया चौथा, जबकि पहले ऑप्शन में देखो मक्का दिया हुआ है तो वो गलत हो गया, तीसरे ऑप्शन में मक्का दिया हुआ है ये गलत हो गया,
और दूसरे ऑप्शन में दाल मूंग दे दिया तो ये गलत हो गया। इस तरीके से एलिमिनेट करके भी आप आसानी से कर सकते थे। अब ये जो सवाल आया है 47वां, ये जो ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल है, इसमें जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट क्या हुआ है उस पर पूछा गया है। तो निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी की सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कौशल को विकसित करने के लिए की गई? तो आप जो आरएससीआईटी कोर्स करते हैं वो आरकेसीएल द्वारा करवाया जाता है। अगर आपको आरकेसीएल पता होता तो राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ये आप आसानी से कर लेते। तो इस हिसाब से जो जनरल सवाल है जो आसपास जो घटित हो रहा है उनसे भी पूछे गए हैं। अगला सवाल है, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पहला बीकानेर में स्थित है, तो दूसरा जो जयपुर का जोबनेर है वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इस बार विधेयक से इसको पारित किया गया था और जोबनेर में स्थापना की जाएगी दूसरे की। और इनमें से कौन सा अगला सवाल है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना गया है? तो बात करें सौर ऊर्जा की तो वो भी नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी है, फिर विंड एनर्जी की वो भी, पवन ऊर्जा भी, ये भी नवीकरणीय है, और टिम्बर जो कि घरेलू इमारती लकड़ी होती है वो भी नवीकरणीय है। जो गैर नवीकरणीय है वो फॉसिल फ्यूल होता है, कोयला वगैरह होता है, ये गैर नवीकरणीय में आता है। तो राइट आंसर हो गया दूसरा, थोड़ा सा ट्रिकी था पर आसानी था। अगला सवाल है 50वां, 50वें सवाल में पूछा गया है, पृथ्वी के वायुमंडल में कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है? तो ये काफ़ी न्यूज में रहता है, चर्चा में रहता है। तो लगभग 20% जो है ऑक्सीजन का जो उत्पादन है वो अमेजन फॉरेस्ट करता है। अगला सवाल है 51वां, 51वें में पूछा गया है, एक कथन के पश्चात दो पूर्व धारणाएं फर्स्ट और सेकेंड दी गई है। तो हमें पहले तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको छोड़ के सीधा ही आ जाते हैं स्टेटमेंट पे। तो स्टेटमेंट कहता है, यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। जब ऐसे हम करते हैं तो कथन हमें राइट मानना है और फिर पूर्व धारणाओं पे विचार करना है। तो अधिकांश किसान की बात कर रहा है, और तो पूर्व धारणा पहली है, खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है। अब संकट में पड़ जाएंगे मतलब खेती पर संकट आएगा, तो पहला जो पहली पूर्व धारणा है वो कथन में निहित है, ये आसानी से आप निकाल सकते थे। दूसरा है, आमतौर पर ज़्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं, तो अधिकांश किसान की बात कर रहा है, तो बारिश नहीं हो रही है तो अधिकांश किसान पक्का बारिश पर निर्भर है। तो दोनों जो पूर्व धारणाएँ हैं वो अंतर्निहित है कथन में, तो ये आसानी से आप निकाल सकते थे। अगला सवाल है, अगले सवाल में पूछा गया है, एक कथन के पश्चात दो तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए। तो पहले अपन कथन पे चले जाते हैं, आर्ग्यूमेंट पे बाद में जाएंगे। क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदल देना चाहिए? बिल्कुल बदल देना चाहिए, मतलब जनरली अगर एनवायरमेंट के हिसाब से सोचें तो, और भारत सरकार इस दिशा में कार्य भी कर रही है। सारे के सारे जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो जल्दी 2024 तक का शायद लक्ष्य रखा है, तो तब तक पूरा कर लिया जाएगा। तो डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रिफाइड किया जा रहा है। तो पहला कथन तो बिल्कुल मजबूत है। फिर दूसरा है, नहीं, भारत घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता, ना तो ये कथन इस बारे में कुछ कह रहा है, और घरेलू आवश्यकता जो है वो पूरी करने में सफिशियंट है। हमारा जो सीजत है वो ज़्यादा है, हमारे ग्रिड सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं, सीजत ज़्यादा है ये कह सकते हैं, पर घरेलू आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उत्पादन तो हम काफ़ी अच्छा करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिफाई कर रहे हैं, नहीं तो हम नहीं करते, हमारे पास बिजली नहीं होती तो। और रिन्यूएबल एनर्जी में भी हम काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम रिन्यूएबल एनर्जी को और ज़्यादा, मतलब उसका परसेंटेज है वो बढ़ा देंगे। तो केवल तर्क फेस्ट मजबूत है। अगला सवाल है, अगले सवाल में कथन पूछा गया है, पद ग्रहण करने के लिए म्युनिसिपल आयुक्त ने नगर ए के नागरिकों से कहा, मेरा सर्वप्रथम और प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। ठीक है, ये कोई नए मेयर नियुक्त हुए हैं और इन्होंने नागरिकों से कहा कि इंदौर जो कि स्वच्छ भारत वगैरह में जो पहली रैंकिंग पे आती वैसा मैं इसको सुंदर बनाना चाहूँगा। तो निष्कर्ष, नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है। ऐसा कथन में कहीं पर भी नहीं कहा गया कि ये जागरूक है ही नहीं, तो पहला कथन गलत है। दूसरा है, आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यकरण में उनका अच्छा अनुभव है। अब ये भी बात है वो कथन से कोई जाहिर नहीं हो रही, वो तो सिर्फ इंदौर सिटी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा कि मैं वहाँ था और वहाँ पे भी सुंदर बनाया और आपका सुंदर बना रहा हूँ, ये नहीं है। तो दोनों जो निष्कर्ष है वो गलत है, तो राइट आंसर हो गया तीसरा।
अगला सवाल है, कथन है, मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। तो अधिसूचना जारी की है भाई, मानसून वर्षा कम होगी, तो अभी ये सबके लिए हिदायत है। तो पहला है, कार्रवाइयाँ सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध कराना चाहिए। अगर अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो सरकार को तुरंत एक्शन में आ जाना चाहिए। भाई कहीं पे जो वर्षा पे निर्भर क्षेत्र है, जहाँ पे जल की कमी होगी, तो वहाँ पहले से जल उपलब्ध कराने के लिए नीति बना दे, वरना फिर एकदम से कोई भी कोई कुआं खोद के पानी नहीं पी सकता। तो पहली कार्रवाई तो सुनिश्चित करनी है। दूसरा है, संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए भी सलाह दी गई है। अब किसान भी तैयार रहे, इस हिसाब से ही भाई बुआई करे, इस हिसाब से तैयार रहे, और कम वर्षा हो रही है तो कम वर्षा के हिसाब से फसलें बोए, ये भी सलाह एक तरह से हो ही गई। तो दोनों जो कार्रवाइयां हैं वो हो जानी चाहिए। तो राइट आंसर हो गया दूसरा। अगला सवाल है, एक निश्चित कूट में जो ये लिखे गए हैं, तो ऐसे सवालों में क्या है, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगा के करना होता है। वैसे जो मैथमेटिक्स और कुछ रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल है, वो मैं अलग से एक वीडियो लाके उसमें बोर्ड पे अलग से करवाऊंगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ पे मैं इनका केवल थोड़ा सा आंसर दे रहा हूँ, हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। तो एबंडेंट में दो टुकड़ों में करके थोड़ा सा जो ये जो है अल्फाबेट को उल्टा सीधा करना था, तो उल्टा सीधा करते तो हमारा राइट आंसर आ जाता, चार नंबर, IMREGNNOITA। तो इस हिसाब से आप उल्टा सीधा करते, पाँच पाँच के सेगमेंट में करते तो हो जाता। और अगला सवाल है, इसमें ब्लड रिलेशन से सवाल आया है। तो एक परिवार में 8 सदस्य है, ई एफ और जी की माता है, ए ई का जवाई है, सी जी की पुत्री है, और डी सी के नाना है, डी का एक पुत्र और एक पुत्री है, तो एच जी की भाभी है, और बी एफ की भांजी है। तो एफ ए के किस प्रकार संबंधित है, तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इसका मैं चार्ट बना के कल करवाऊंगा, तो इसका ब्रदर इन लॉ या जीजे साला होगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है 57वां, 57वें में सवाल है, 57वें सवाल में जो जो आंसर आ रहा है वो लगभग 22.5 मीटर के करीब आ रहा है, तो इस हिसाब से जो अनुमानित उत्तर है वो 23 मीटर होगा। तो 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी है, और रेखा और बीना एक दूसरे से 18 मीटर दूर है, वीना रेखा और बीना के बीच में कहीं पर खड़ी है, पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में खड़ी है। तो आपको क्या है, कुछ पाइथागोरस प्रमेय भी लगाना होगा, उन सबके ड्रॉ करना होगा, इस हिसाब से हम करेंगे। तो लगभग हमारा जो राइट आंसर आएगा वो लगभग 22.5 मीटर यानी कि 23 मीटर कह सकते हैं। अगला सवाल है, 7 व्यक्ति है, पी क्यू आर एस टी यू वी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। इनको मैं थोड़ा सा सॉल्व ना करके इनका सीधे उत्तर बता देता हूँ, कल इनका डिटेल्ड वीडियो में जो बोर्ड पे लेके आऊँगा तभी आपको समझ में आएगा। तो 58 का जो राइट आंसर है वो वी होगा, और 59 का जो आंसर होगा वो होगा I 27/2 और R 162। इनको भी सीक्वेंस से करते तो आसानी से हो जाता। थोड़े से जो मैथ्स और रीजनिंग के सवाल है, जो मैथ्स के सवाल है विशेषतः, वो थोड़े से ट्रिकी आए हैं। अब ये 64 छोटे घनों से एक ठोस घन बना रहा है, तो छोटे घन कौन सी परिस्थिति में भी दिखाई नहीं देंगे, मतलब ऐसी मतलब किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे। तो ऊपर वाले सारे दिखेंगे, नीचे वाले भी सारे दिखेंगे, साइड वाले भी सारे दिखेंगे, 4 और 4 जो बीच वाले जो होंगे 8 वो नहीं दिखेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा 8। एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी ए बी और सी एक प्रतिस्पर्धा में 3, 4, 5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 देते हैं, तो परिणाम स्वरूप ए बी सी को नगद पुरस्कार में 5-6 हो जाता है, 5-6 और अनुपात 7 हो जाता है। तो कितनी राशि होगी, तो ये जो राशि है वो है 6,000, 8,000 और 10,000 है, तीनों को दी गई है। फिर 4-4 जोड़ देते हैं तो 10,000 और फिर 12,000 और 14,000 हो जाती है, जो कि 5, 6, 7 है। तो ये आसान था, थोड़ा सा करते तो हो जाता। और अगले सवाल है, इसमें 5/3 की जगह अगर 3/5 से गुणा कर देता है तो प्रतिशत त्रुटि होगी वो होगी 64% की होगी, तो ये भी काफ़ी आसान था। और इसमें जो 400 लड़कों का एक समूह है, तो एक हर लड़का क्या करता है, क्रिकेट हॉकी या फुटबॉल कुछ ना कुछ खेलता है, तो 185 केवल क्रिकेट खेलते हैं, 165 हॉकी खेलते हैं, 160 फुटबॉल खेलते हैं, मतलब ये संख्या बताती है स्पोर्ट्स वाइज। अब है कि 40 लड़के हैं वो केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 20 हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, और 10 लड़के केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो टोटल लड़के हैं 400, 185, 165 और 160 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 510। 510 में से जो दो दो खेल वाले हैं तो ये कॉमन आ रहे हैं, तो 40 और 20 और 10 70 कॉमन आ रहे हैं, 70 घटा दो, अब बचे 40,
भाई हमें टोटल 400 लड़के करने, तो 70 घटा दो आप बचे 40, तो 40 के लिए 20 लड़के तीन गेम खेलेंगे, तो 20 लड़के तो गिनती में आएंगे, 20 20 दोनों में दो गेम में नहीं आएंगे, तो 40 इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 20। अब ये दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया गया, इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई जाती थी, तो मिरर में हम देखेंगे तो 7 है, वो मूल आकृति के समान दिखाई देगी, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। कुछ सवाल तो मतलब इन्होंने कोई नए बनाए नहीं है, बहुत सारे जो ये सवाल है मिरर वाला है, कुछ आगे जो सवाल आएंगे वो है मैथ्स वाले सवाल हूबहू, जो कहीं पे भी आपको बाईजू बाईजू में मिल जाएंगे, एकदम हूबहू सवाल ले लिए। अगला सवाल है 65वां, 65वें में जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा क्यू, 66वें में होगा 6 और 67 में होगा जो ये 12,000 होगा, 12,000 का 2/3 करते हैं तो 8,000 होता है, 8,000 पे तो 10% चक्रवृद्धि लग रहा है और बाकी 4,000 पे 15% क्या लग रहा है सरल ब्याज लग रहा है, तो उस हिसाब से जो 1680 आएगा इधर आ जाएगा 1200 कुछ 1200 ऐसा समथिंग आ जाएगा, तो इस हिसाब से 480 का कुछ डिफरेंस आएगा, ये हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आसानी से, जो इसका राइट आंसर 12,000 है। वैसे भी 2/3 10,000 16,000 और 8,000 का करना ही मुश्किल है, तो ऑप्शन ही थोड़े ऐसे दे दिए तो आसानी से हो जाए। 68वां सवाल है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 83√3s होगा, और अब फिर अब दो बचे हैं सवाल मैथ्स रीजनिंग के, वो मतलब 71 और 72 है, उनको हम सीधा सही उसका आंसर देखेंगे, वो लगभग मिला के ही किए हैं तो सारे आंसर सही आप मिला सकते हैं, बाकी इनका जो डिटेल्ड वीडियो में इनको कैसे किया गया है तो वो अगला बोर्ड पे करवा देंगे। तो राजस्थान के वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है, तो टोटल 44 वेटलैंड है, ये भी अभी जीके के हिसाब से करंट क्रोनोलॉजी के हिसाब से ही पूछा गया है। फिर राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये जोधपुर में की जाएगी। और अभी ये टाइगर रिजर्व के बारे में 71 वाला सवाल, तो 5वां टाइगर रिजर्व है वो धौलपुर करौली, 4था रामगढ़ विषधारी था, अभी 6ठे की हो सकता है कुंभलगढ़ को बना दिया जाए, तो धौलपुर करौली ये चर्चा में रहा था, तो ये आना ही था सवाल। अगला सवाल है 72 है, 72 में 3D प्रिंटेड डाकघर भारत का पहला, तो उसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये बेंगलुरु किया गया, और ये 73 का जो है ये पहला ऑप्शन सही है, m जो फैक्टोरियल है और m प्लस 1 का फैक्टोरियल है, m माइनस n प्लस 1 का फैक्टोरियल है, तो इस हिसाब से ये राइट आंसर होगा, ये भी रिपीट सवाल था, बहुत बार पूछा गया है। और अगला सवाल है, इसमें चार संख्याओं के गुणनफल की 5 अथवा 10 से विभाजित होने वाली प्रायिकता, तो इसका भी हम डिटेल सॉल्व करेंगे भाई ये प्रायिकता कैसे निकाली जाती है, तो इसका राइट आंसर है 369/625। अब आते हैं दूसरे सवालों में, तो निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए, टाइम पत्रिका के अनुसार एसएस राजामौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन्स में नामित किया गया, ये बिल्कुल सत्य बात है। टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया, लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर, ये दोनों कथन सत्य है, ये भी करंट अफेयर से पूछा गया है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है, तो वो निम्न में से किस देश के हैं, तो ये जो वेस्ट इंडीज समूह है उसमें जो कैरेबियन कंट्रीज है, तो कैरेबियन कंट्रीज में त्रिनिदाद एंड टोबेगो देश से वो ताल्लुकात रखते हैं। अगला सवाल है 77, जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया, जो भी केंद्र सरकार की कोई भी स्कीम लॉन्च होती है उससे एक या दो सवाल पक्का पूछा जाता है, पिछले कितने भी आप पेपर RSP के उठा के देख लीजिए, तो यूरिया की ये नई किस्म का नाम है वो है यूरिया गोल्ड। अगला सवाल है, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीय कृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया है, तो उद्गम जो वेब पोर्टल है वो RBI द्वारा यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट आंसर हो गया 4था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है, तो देवीलाल मैया को नामित किया गया और इन्हीं को शायद दिया गया है, और तो अकादमी पुरस्कारों के बारे में भी जब करंट अफेयर्स के बारे में जब मैंने वीडियो बनाया था कि भाई RSP की रणनीति के बारे में कि इनका पुरस्कार और बुक्स के सवाल जरूर आते हैं, तो ये सवाल पुरस्कार से पूछ लिया गया है। अगला सवाल है, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया, तो ये दिल्ली में किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में इक्वेडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता
क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। तो ये जो जैविध वाला क्षेत्र है वो है यासुनी नेशनल पार्क, यासुनी राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला है, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर जो टैगलाइन है वो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में मतलब चर्चा में रही है। जैसे पिछली बार जो DRDO का मोटो पूछ लिया था, तो इस तरीके जो कोटेशन और जो लाइन्स होती है, जैसे कोई भूखा ना सोए, तो इस तरीके से ये अक्सर पूछते हैं ताकि आपकी अवेयरनेस कितनी है ये जानने के लिए। तो राइट आंसर हो गया केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। फिर अगला सवाल है, राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो जो 9वां सम्मेलन है वो उदयपुर में आयोजित किया गया था, ये भी करंट अफेयर से था। अगला सवाल है वो भी करंट अफेयर से है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? तो ये जो समिट है वो आयोजित की गई स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। अगला सवाल है 85वां, 85वें में पूछा गया है, एक सेकेंड, अगला सवाल है, 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी मलेशिया को अंतिम मैच में मतलब 4-3 से हरा दिया था, तो ये मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो ये चेन्नई के मैर राधाकृष्णन स्टेडियम में खेला गया था। तो इसका राइट आंसर, ये भी करंट अफेयर से पूछा गया था, थोड़ा स्पोर्ट्स में थोड़े ट्रिकी सवाल थे, काफ़ी कठिन पूछे जाते हैं, तो इस बार भी काफ़ी कठिन पूछे गए हैं। राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक की पात्रता प्राप्त की है, तो कौन से खेल से? तो राजेश्वरी कुमारी है वो शूटिंग यानी कि निशानेबाजी से संबंधित है। अगला जो सवाल है वो भी स्पोर्ट्स से है, भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई? तो ये साउथ कोरिया या दक्षिणी कोरिया देश में आयोजित की गई थी। तो ये ऐसे सवाल थे, बहुत ट्रिकी थे, तो ऐसे सवालों के आंसर देने से हमें बचना था, इसमें 5वां ऑप्शन ही करना काफ़ी अच्छा रहता है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है, वे सेमीफाइनल में किस देश की खिलाड़ी से हारी? तो वो उज्बेकिस्तान से हारी। तो फेंसिंग में जो हारने वाले सेमीफाइनल में होते हैं उनको भी क्या ब्रॉन्ज मेडल देते हैं। तो बहुत ट्रिकी सवाल थे ये तीनों स्पोर्ट्स जो पूछे गए थे, 1, 2, 3 और 4, जो चारों पूछे गए वो बहुत ट्रिकी थे, इनको अगर सुना हुआ हो तो ही करना था। अगला सवाल है, किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया है? तो 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है, इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल भी स्पोर्ट्स से था, ये 5वां सवाल है स्पोर्ट्स का, तो स्पोर्ट्स का वेटेज काफ़ी अच्छा दिया है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया, ये भी काफ़ी ट्रिकी सवाल था। अगला सवाल है 91, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर दिया, तो वो था विग्रहराज चतुर्थ था, ये हिस्ट्री से सवाल आया है, राजस्थान की हिस्ट्री से आया। अगला सवाल था, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत में यात्रा की? तो अरब यात्री सुलेमान ने भोज प्रथम के काल में यात्रा की थी। अगला सवाल है, कन्हैया लाल मित्तल मांगीलाल बाविया और मकबूल आलम निम्नलिखित किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो ये झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे। फिर है मत्स्य संघ, ये एकीकरण से सवाल है, मत्स्य संघ का भारत राजस्थान में विलय कब हुआ? तो ये 15 मई 1949 में हुआ। सातों के सातों जो चरण हैं वो आपको याद करने होते हैं, इनसे पूछा जाता है। अगला सवाल, जनजाति आंदोलन में जो एक ही आंदोलन प्रारंभ करने वाले पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो ये झाड़ोल से थे।
अगला सवाल है, झाड़ोल, उदयपुर, कुराना नागौर और साबनिया में क्या समानता है? ये तीनों के तीनों ताम्र पाषाण काल संस्कृति के स्थल रहे हैं, केंद्र रहे हैं, सेंटर ऑफ चालकोलिथिक कल्चर रहे हैं। तो ये राइट आंसर हो गया, ये सभ्यताओं से पूछा है। सभ्यताओं से एक और सवाल आया है, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो वो टोंक के रेड सभ्यता से हुई है। अगला सवाल है, ये रिपीट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, राजस्थान में किस संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो पुरुषों द्वारा, जसनाति सिद्धों द्वारा अग्नि नृत्य परफॉर्म किया जाता है, अंगारों पे, खीरों पे वो नृत्य करते हैं, आप YouTube वीडियो वगैरह भी उनके देख सकते हैं। ये राजस्थान की संस्कृति से था। अगला सवाल है, कोलयमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? तो ये जो भाषा और साहित्य था राजस्थानी, वहाँ से सवाल आया है, और कोलयमाला में 18 देसी भाषाओं का जिक्र हुआ है। अगला सवाल है, अचलदास खींचीरी वचनी का, तो ये चारण शिवदास गार्डन है, वो अचलदास खींचीरी वतनिका के लेखक थे। तो ये जो राजस्थान के जो इतिहास और संस्कृति से सवाल आया है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत मेलित है? तो तेजाजी खड़नाल से ताल्लुकात रखते हैं, रामदेव जी का मेला रामदेरा लगता है, पाबू जी है वो कोल्लू से ताल्लुकात रखते हैं, जबकि मलिनाथ जी है वो जो बाड़मेर के तिलवाड़ा क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं। जो मल्लिनाथ जी का गागरौन से कोई लेना देना नहीं है, राइट आंसर हो गया दूसरा। अगला सवाल था, चंद्रभागा मेला जो कि पशु मेला है, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की कार्तिक मास को कहाँ आयोजित होता है? तो ये झालावाड़ जिले के झालरापाटन में होता है, राइट आंसर होता है झालरापाटन। फिर अगला सवाल था, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरिदुर्ग है? तो चित्तौड़गढ़ पहाड़ी मैसा के पठार पर बना हुआ है, तो ये गिरिदुर्ग हो गया। जालौर और सेवाना दोनों पहाड़ी किले हैं। और तीसरा जो गागरौन का दुर्ग है, ये जल दुर्ग है, तो इस हिसाब से जो राइट आंसर हो गया ये हो गया गागरौन का दुर्ग। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चित्रकार मुहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? थोड़ा सा कठिन है सवाल, पर अगर इसमें शायद आप पप्पू सिंह प्रजापत की जो किताब वगैरह पढ़े हैं अगर इतिहास कला संस्कृति की, तो वहाँ से लगभग ये ज़्यादातर जो सवाल है वो आ जाते हैं, काफ़ी उन्होंने नोट्स टाइप लिखी हुई है, तो वहाँ से ये उस किताब में भी ये मिल जाएगा। तो जो चित्रकार है मोहम्मद शाह जयपुर के जो महाराजा थे सवाई जय सिंह, तो उनसे संबंधित थे, मतलब उनके दरबार में थे। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था? तो ये वाकाडक वंश से करवाया था। ये काफ़ी मतलब कठिन सवाल है ऐसे देखें तो, अगर आम तौर पे अभ्यर्थियों को नहीं आएगा, पर किसी की अगर इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादा रुचि है तो वो आसानी से कर पाएंगे। जब मैं पेपर देता था तो इतिहास के सवाल है वो ज़्यादा नहीं करता था, इंडियन हिस्ट्री वगैरह के, ज़्यादातर राजस्थान कला संस्कृति के हो जाते थे, तो आराम से प्री क्लियर हो जाता था। 100 नंबर है वो आसानी से आ जाते थे। अगला सवाल है, भारत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो भारत भरहूत का जो स्तूप है वो शुंगकालीन स्थापत्य कला का सुंदर एग्जाम्पल है। ये थोड़ा सा डेप्थ में सवाल है, ये भी इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के जो सवाल है काफ़ी डेप्थ में आए। फिर है, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की है? तो ललित विग्रहराज नाटक की रचना है वो सोमदेव ने की है, ये सिंपल सवाल था। अगला सवाल है, कृष्णदेव राय के द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई है? तो अलसानी पेडन्ना को आंध्र कविता पितामह की उपाधि कृष्णदेव राय द्वारा दी गई थी, तो ये राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया है? तो पंचमहल में किया गया है। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो प्रथम जो राज प्रमुख है वो महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटुड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई है? ये सभ्यता और संस्कृति से इस बार तीसरा सवाल इस पेपर में आ गया है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया है। तो इसकी जो खोज है वो जगतपति जोशी द्वारा की गई है। ये काफ़ी ट्रिकी सवाल थे, तो लगभग लगभग कुछ सवाल काफ़ी कठिन थे, कुछ स्पोर्ट्स वाले पाँचों ही कठिन थे। इस तरीके से पेपर बैलेंस रहा है और लगभग लगभग कट ऑफ भी वही रहने वाली है। थोड़े से इस बार उपस्थिति भी काफ़ी अच्छी बता रहे हैं, लगभग 65% से ऊपर उपस्थिति बता रहे हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन तो रहेगा ही, पर फिर भी लगभग कट ऑफ वही रहने वाली है।
अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। इंडियन हिस्ट्री को भी काफ़ी अच्छा वेटेज दिया गया है। फिर अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? तो इसमें जो सदस्य थे जस्टिस फजल अली, फिर के एम पन्नीकर और हरदेनाथ कुंजरू थे। सर तेज बहादुर सप्रू है ये नहीं थे। तो ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग का फिर से सवाल आ गया है। अगला सवाल है, एल्ब नदी और राइन नदी है वो नॉर्थ सी में गिरती है, उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। तो ये भूगोल के सवाल आया है। अगला सवाल है, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रचार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो सूफी संप्रदाय का प्रचार है वो सिंध, मुल्तान और पंजाब तक था, वो था सुहरावर्दी सूफी संप्रदाय का था। अगला सवाल है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष में की? तो उन्होंने 1905 में की, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में की। अगला सवाल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस सवाल में कि कश्मीर हिमालय है वो करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये बात तो सही है। दूसरा है, नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। अब नालागढ़ दून सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा दून है वो है देहरादून। तो ये बी गलत होना चाहिए, और इस हिसाब से अब मैं इसको करें तो ए सी डी हमारे पास बचता है, बी अगर निकाल दें तो एक ही ऑप्शन बचता है। नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमाचल में स्थित है, ये भी बात ठीक है। और फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। तो इस तरीके से जो डिवाइडेशन करते हैं तो उस डिवाइडेशन में शायद जो नदियों के हिसाब से डिवाइडेशन किया जाता है, पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, तो उसमें अब ये फूलों की घाटी, वैसे तो ये उत्तराखंड राज्य में है तो इस हिसाब से एक कौन से हिमालय की बात कर रहा है, उत्तराखंड हिमालय वैसे तो कर रहा है पर इधर की जो कुमायूं हिमालय होता है अगर नदियों के हिसाब से इनको बांटे तो, फिर भी ठीक है। तो इस हिसाब से हम अगर बी को निकाल दें तो ए सी डी हमारे पास बचते हैं। तो ये थोड़ा सा देखा जाएगा कि आरपीएससी इसका क्या आंसर मानती है, जबकि करेवा सही है, नालागढ़ है वो दूसरे नंबर का दून है, जो सबसे बड़ा दून है वो है देहरादून है। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो तमिलनाडु का तट प्राप्त करता है, जो हमारा जो आता है वो दक्षिण पश्चिमी आता है, जो अभी मानसून आया था तो अभी वापस जब ये मानसून लौटता है तो उत्तरी पूर्वी मानसून स्टार्ट हो जाता है। मानसून क्या है, हवाओं की दिशाओं में प्रत्यावर्तन है, सीजनल रिवर्स है वही है। तो ए सी डी यानी तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक है, ये उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा करते हैं। और नवंबर में आप देखते हो तमिलनाडु में अक्सर बाढ़ आ जाती है चेन्नई में, क्योंकि ये उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। फिर अगला सवाल है, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, पुलिकट तमिलनाडु में, भीमताल उत्तराखंड में, रूपकुंड है वो भी उत्तराखंड में, इन्होंने हिमाचल प्रदेश देख ली। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो गया वो हो गया रूपकुंड हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं जो औद्योगिक प्रदेश है, जो विश्व के भूगोल में औद्योगिक प्रदेश दे रखे थे उससे सवाल है कि यूएसए का औद्योगिक प्रदेश कौन सा नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट कानावा घाटी भी है, सिनसिनाटी इंडियानापोलिस भी है, मिशिगन झील भी है, मिडलैंड रीजन है वो औद्योगिक प्रदेश नहीं है। मिडलैंड रीजन वो है, वो यूके का है औद्योगिक प्रदेश। अगला सवाल है, इसका थोड़ा सा मैं कंफर्म तो नहीं हूं पर जो एशिया और अफ्रीका है ये दोनों बहुत ज्यादा मरुस्थलीकरण से प्रभावित है, अफ्रीका सर्वाधिक प्रभावित है, एशिया भी प्रभावित है, और ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे मरुस्थल तो आप देखते ही हो, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट। तो इस हिसाब से अगर राइट आंसर देखें तो यूरोप देखें, एशिया और अफ्रीका तो नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में से मरुस्थलीकरण की जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो सबसे कम समस्या है वो शायद यूरोप को होगी। तो राइट आंसर होगा वो 121वें का तीसरा होगा, इसकी मुझे रिपोर्ट नहीं मिली, फिर भी जो इस हिसाब से एशिया और अफ्रीका है वो ज़्यादा डेजर्टिफाइड है, ये रिपोर्ट वगैरह पढ़ने से पता चला है। अगला सवाल है, गलत युग्म को पहचानिए। तो इस बार जो चोटियां दी है वो थोड़ी सी ट्रिकी दी है, ट्रिक इसमें ये थी कि दूर महाराज जी, ये जो टाटगढ़ है इसको ही बोलते हैं, ये मध्य अरावली में है जो अभी ब्यावर जिले में है, और कटड़ा है, कटड़ा दक्षिणी अरावली की है, महोरपुर है उत्तरी अरावली की। अब इनके नाम ही नहीं सुने हो आपने, हो सकता है
तो कोई बात नहीं है, जो हाड़ौती का पठार है उस रीजन में, जो बूंदी में सतूर है, सतूर अभी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट वाला जो मैं बता ही रहा था, तो ये मध्य अरावली में नहीं है, ये सतूर है वो हाड़ौती के पठार क्षेत्र से संबंधित है। तो इस हिसाब से एलिमिनेट करके भी आप आसानी से कर सकते थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो अगर आप अति आद्र, आद्र, उप आद्र ऐसे वर्षा के हिसाब से अगर देखें तो धौलपुर और राजसमंद है वो दोनों के दोनों आद्र में आ जाते हैं, और जालौर है ये अर्धशुष्क वाले रीजन में आ जाता है। तो धौलपुर में ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है, फिर राजसमंद में होती है, फिर जालौर में होती है। इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था। इस बार भी जो लोग डर रहे थे कि भाई नए जिलों से क्या सवाल आएंगे, तो इस तरीके से अचानक से कोई भी सवाल नहीं क्रिएट होते हैं, उनमें बहुत वेरीफाइड जो क्वेश्चंस होते हैं वही देने होते हैं। तो इस हिसाब से ही सवाल है वो, और पुराने कोई भी प्रोडक्शन के आंकड़े हुए, इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हुए, वो तो वैसे ही पुराने जिलों पे ही रहने वाले हैं। अगला सवाल था, निम्नलिखित में से किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? तो राजस्थान में जो तीन जो संगम हैं तो उनके आपको नाम वैसे ही याद करने थे, तो बनास, मैनाल और बेडच है, इन पे त्रिवेणी संगम है। बाकी ये कोठारी खारी बेड़च पे नहीं है, गंभीरी मासी धुंध में नहीं है, सो माहू बांडी पे नहीं है। तो इस तरीके से जो त्रिवेणी संगम पूछ लेते हैं, नदियाँ कौन सी किस में मिलती है, कौन सी नदी राजस्थान में जो है 12 मासी प्रवाहित होती है, नदियों के सवाल भी कॉमन से आते हैं। अगला सवाल फॉरेस्ट रिपोर्ट से पूछा गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट का तो पक्का सवाल आता है। तो इस फॉरेस्ट रिपोर्ट को देखें, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट के सवाल में देखें तो 16,654 वर्ग किलोमीटर है। इस बार फॉरेस्ट रिपोर्ट का ऐसा सवाल आया कि जिसको राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र पता है तो वो आराम से गुणा करके निकाल सकता था। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 342,239 वर्ग किलोमीटर है, तो अगर इसमें 16,654 का परसेंट निकालें तो 4.87% आएगा। तो इस हिसाब से भी आप निकाल सकते थे, भले ही आपको रिपोर्ट पता हो या ना पता हो। फिर सवाल आया, भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो जो बॉक्साइट का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, बॉक्साइट यानी कि जो एल्यूमिनियम का डिपॉजिट होता है वो है ओडिशा, और अभ्रक यानी कि माइका वो है आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होता है। अगला सवाल है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, परिवहन मार्गों में पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर या परिवहन मार्गों के बारे में अक्सर सवाल आते हैं। तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है वो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। अगला सवाल है, माही बजाज सागर परियोजना का एक संयुक्त उद्यम है। तो माही बजाज सागर गुजरात और राजस्थान की पार्टनरशिप है, गुजरात 55% है, राजस्थान 45% की पार्टनरशिप में दोनों का संयुक्त उद्यम है। अगला सवाल था, निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 11 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला तो बाड़मेर था, और सबसे कम वाला है वो गंगानगर, लगभग 10% के आसपास था। अगला सवाल है, राजस्थान में काला खूंटा, लीलवानी, नारदिया, तीमा, मोरी ये क्षेत्र कौन से खनिज के उत्पादक क्षेत्र है? तो ये मैंगनीज के उत्पादक क्षेत्र है, तो ये मिनरल से पूछा गया राजस्थान के। फिर राजस्थान की जो ऊर्जा से पूछा गया है, तो ऊर्जा से काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन, सुपर थर्मल पावर स्टेशन काली सिंध वाला झालावाड़ में स्थित है, ये आप ऑथेंटिक वाइट जो साइट है उस वेबसाइट पे जाएंगे तो भी मिल जाएगा। अगला सवाल है वो वन्य जीव अभयारण्यों से आया है, तो वन्य जीव अभयारण्यों में जो राम सागर वन विहार है वो धौलपुर में, बस्सी चित्तौड़गढ़ में, सीता माता प्रतापगढ़ में, शेरगढ़ है वो बूंदी में न होके बारा में है, तो राइट आंसर हो गया तीसरा। अगला सवाल, माही कंचन और माही धवल तो मक्का की होती है, आरसीबी 911 इस बार बाजरे की किस्म पूछी गई है, क्योंकि माइलेट ईयर चल रहा है तो बाजरे की किस्म पक्का पूछी जाएगी, लगभग ये आइडिया था, तो राइट आंसर हो गया मक्का और बाजरे की। माही कंचन होगी मक्के की और आरसीबी 911 हो गई बाजरे की। अगला सवाल है, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था, तो चुकंदर से जो चीनी बनाने का जो कारखाना है वो गंगानगर में स्थापित हुआ था। जो गंगानगर शुगर मिल है वो चुकंदर से भी बनाती है, तो राइट आंसर हो गया गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर। अगला सवाल है, 135वां भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? तो पहला अमेंडमेंट है, एक अमेंडमेंट का सवाल तो पक्का ही आता है, तो जो पहला अमेंडमेंट है, पहले अमेंडमेंट में जो संविधान में जोड़ी गई थी वो थी 9वीं, अभी 12 अनुसूचियां हैं, जो मूल संविधान था उसमें कितनी थी, 8 थी, 9वीं जोड़ी गई थी पहले में।
अगला है मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के बारे में जो जजमेंट है मेनका गांधी वाद में, तो उसमें त्रुटिपूर्ण देखना है। तो आर्टिकल 21, 1914 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये गलत है, सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई भी अलग नहीं है, 21, 19 और 14 सारे जुड़े हुए हैं, ये कोर्ट ने कहा था। दूसरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य की अमेरिका के विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानांतर है, तो प्रोसीजर जो एस्टैब्लिश्ड बाई जो लॉ है वो लार्ज लगभग उससे समानता रखते हैं यूएसए और उसकी। फिर है यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करेगी कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाकारी, तो ये आर्बिट्री है, आपको खुद को ही सिद्ध करना होगा कि भाई ये जो भी कानून की क्रिया है वो आपको खुद को करनी होगी। और अगला ऑप्शन है जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, तो ये बिल्कुल सत्य है, तो ये तो आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता था, तो ये अनन्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये इसका पार्ट है, 21 और 1914 आपस में जुड़े हुए हैं। अगला सवाल है नथमल जी की हवेली, तो नथमल जी की हवेली है और पटवा की हवेली, ये सारे कहाँ हैं, ये जैसलमेर सिटी के अंतर्गत है, जैसलमेर सिटी के अंदर आते हैं, तो जैसलमेर में स्थित है। अगला सवाल फिर से भारत की संविधान सभा, मतलब संविधान जो बेसिक संविधान से पूछे गए हैं, तो भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, तो संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन है, अंतिम मीटिंग है, वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ये बात बिल्कुल सत्य है, और इस अंतिम अधिवेशन में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित कर दिया गया था, भाई यही कि राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था इसी अधिवेशन में, तो ये दोनों कथन सही है। अगला सवाल है इसमें अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 27 अविश्वास प्रस्ताव लिखा हुआ है तीसरे में, जबकि 28 अविश्वास प्रस्ताव थे अभी तक, ये 15 अगस्त 2023 तक, तो इस हिसाब से जो राइट आंसर हो गया वो हो गया तीसरा, ये गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल में प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। अब किसी ने याद किया है कि इंदिरा गांधी ने सबसे ज़्यादा भाई झेले, पर उनका जो टेन्योर है वो बहुत ज़्यादा था, लाल बहादुर शास्त्री का तो 2 साल का टेन्योर था, इस हिसाब से उनको शायद 3 थे और इंदिरा गांधी के 15 शायद उनको सामना करना पड़ा था, तो इस हिसाब से जो भ्रम है ये दूसरा ऑप्शन भी आप सही कर सकते थे, जबकि अभी चर्चित रहा था अविश्वास प्रस्ताव, इसलिए अभी ये 28 वाला न्यूज़ में था इसलिए पूछा गया है। अगला सवाल है उसमें आर्टिकल और उसमें क्या नीत है उनको पूछा गया था, तो जो आर्टिकल 48 ए है वो है पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर है, 39 ए है वो है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए है, और अनुच्छेद 41 में क्या है, काम करने का अधिकार है, राइट टू वर्क है, और अनुच्छेद 49 में क्या है, स्मारकों का संरक्षण है, मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो गया दूसरा। अगला सवाल है राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, तो त्रुटिपूर्ण कथन अगर राज्यसभा को देखें तो 8 सीटें हैं राज्यसभा में निर्वाचित होती है, किससे, यूटी से, जैसे 4 जम्मू कश्मीर हो गए, 1 पुडुचेरी हो गया, 3 दिल्ली हो गया, 8 होते हैं। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, ये बिल्कुल सत्य बात है, जो अभी प्रथम संविधान संशोधन की बात कर रहे थे वो फिर से इसमें पूछा गया। तीसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति, राज्यसभा के जो सभापति कौन होते हैं, वो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो लगातार 2 कार्यकाल पर रहे, तो ये एकमात्र नहीं है, हामिद अंसारी है, वो 2007 से लेकर 17 तक रहे थे, तो इस हिसाब से ये कथन बिल्कुल गलत है। चौथा है 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है, तो अभी तक 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। अगला सवाल था निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी, तो ये सरकारी आयोग के जो हेड थे उन्होंने इसकी सिफारिश की थी, अनुशंसा की थी, तो राइट आंसर हो गया सरकारी आयोग। अगला सवाल था राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया, तो जो कांग्रेस प्रणाली थी उसको ज़्यादा मतलब एक तरह से वोट आते थे, तो वो उसका जो अंत है 1989 में हो गया, तो 1989 में लोकसभा में चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी थी, तो सबसे ज़्यादा सीटें थी वो 1989 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली थी, परंतु उनकी सरकार नहीं बन पाई थी, तो ये दोनों कथन सही है। अगला सवाल है
इसमें भी आर्टिकल पूछे गए हैं तो सीएजी की नियुक्ति है वो होती है आर्टिकल 148 के द्वारा, सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां हैं वो आर्टिकल 149 के द्वारा, और संघ के खातों का परपत्र है वो है 150 आर्टिकल के द्वारा, और ऑडिट रिपोर्ट है वो है आर्टिकल 151 के द्वारा। इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा। अगला सवाल है, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? तो मंत्रिपरिषद में न्यूनतम मिनिस्टर होने चाहिए वो होने चाहिए 12। अगला सवाल है, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था, तो ये जो राष्ट्रपति के इलेक्शन हुआ तो उसमें राजस्थान का जो एमएलए का जो मूल्य था वो था 129 है, इधर ये 149 गलती से हो गया है, तो इसका राइट आंसर है वो 129 है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? तो कोई भी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो तो राजस्थान का राज्यपाल और फिर भारत का मुख्य न्यायमूर्ति और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायमूर्ति है उनकी परामर्श के उपरांत ही नियुक्ति की जाएगी। अगला सवाल है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख पद के समाप्त की घोषणा समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग था जो पहले पूछा गया था, इसी की सिफारिश के आधार पे जो है राज्यपाल की पद की स्थापना की गई थी राज्य प्रमुख के, और पहले गुरुमुख निहाल सिंह थे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं था? पहला जो कथन था वो था बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, तो ये गलत है। हीरालाल देवपुरा है वो 16 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे थे, तो इस हिसाब से ये पहला ही कथन गलत है। बाकी 1975 जो आपातकाल लगा था तो सीएम हरिदेव जोशी थे। मोलदाल सुखाड़िया वो 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ये भी सही है। सीएच वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे, निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, मतलब नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री थे, दूसरे वेंकटाचार्य जो हीरालाल शास्त्री की बात बनाए गए थे। तो इस हिसाब से जो हमारा पेपर है वो हमने सॉल्व कर दिया है। इसमें मैथ्स और रीजनिंग के मैंने केवल लगभग जो सवाल थे नॉर्मल थे, कथन वाले वो तो मैंने बता दिए, पर मैथ्स वाले सीधे बताएं, इनको हम बोर्ड पे आपको एक मैं मतलब पूरा सॉल्यूशन करवा के बताऊंगा और एकदम सरल तरीके से इसका एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कल, तो उसमें आप मैथ्स और रीजनिंग के देख सकते हैं। और कुछ सवाल बहुत सिंपल थे, मैं और कुछ करंट अफेयर्स भी बहुत सिंपल था, जियोग्राफी भी ठीक थी, मैं और जो सबसे ट्रिकी थी मैथ्स रीजनिंग में थोड़ी सी थोड़े हार्ड सवाल थे। कुछ सवाल जो स्पोर्ट्स के आए थे करंट अफेयर्स के वो हार्ड थे, कुछ जो कोर इकोनॉमिक्स के पूछे हैं वो भी हार्ड ही है आम अभ्यर्थियों के लिए। तो इस हिसाब से पेपर बैलेंस था, तो इस हिसाब से जो हमारी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो लगभग वही रहेगी, फिर भी एक मोटा मोटा अनुमान है, थोड़ा सा सर्वे करके आपको बता दिया जाएगा। तो इसका जो पेपर का मैं PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं कुछ देर बाद इसको अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसके बारे में कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए, साथ ही लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सभी को गुड नाइट। और अगर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, अगर नंबर कम आ रहे हैं तो कट ऑफ हो सकता है कम ही चली जाए, पर ठीक है, जो भी पेपर होते हैं उसमें सफलताएं असफलताएं सब होती है। मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, RSPRI तो मैंने 3 बार दिया था, 3 बार खैर मेरा हो गया था, पर मेंस में अक्सर मैं मात खा जाता था, और फिर मैंने एकेडमिक में शिफ्ट भी कर दिया था। तो सभी को ऑल द बेस्ट। इसके साथ ही अगर आप RSPRI आपका क्लियर हो रहा है तो मैं इसके लिए मेंस के लिए भी मेरा जियोग्राफी जो डोमेन रहता है तो उसके मैं वीडियो ला सकता हूँ, तो अगर आप अगर कमेंट करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को गुड नाइट, थैंक यू।